बीते 3 से 4 दिनों से जिले के ग्रामीण भागों में कुछ तहसील में दोबारा कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। जिलाधिकारी ने इसके रोकथाम के लिए नागरिकों से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और सैनिटाइजिंग करने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने बताया कि अब तक मास्क नहीं पहनने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों से 90 लाख रुपए दंड वसूल कार्रवाई की गई है। अगर नागरिकों ने नियमों का पालन नहीं किया तो यह कार्रवाई और तेज की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना टेस्ट भी बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने पत्र परिषद के दरमियान नागरिकों से अपील की कि जरा भी तबीयत खराब होने पर वे स्वयं कोरोना टेस्ट जरूर करवाएं। उन्होंने कहा कि हालांकि सिटी की तुलना में ग्रामीण में संक्रमण कम है, लेकिन पिछले 3 दिनों में कामठी, हिंगना, नागपुर, ग्रामीण, सावनेर, उमरेड़ में पॉजिटिव संख्या अधिक हो गई है। जिले में कोरोना पॉजिटिव संख्या 5% से कम लाना है, लेकिन उपरोक्त तहसील में यह अधिक हो गया है। ठाकरे ने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए जनता का सहयोग जरूरी है, सभी को गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। मंगल कार्यालयों में भी भीड़ ना हो, मंगल कार्यालय के संचालक नियमों का पालन करें, बाजारों में सतर्कता बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं। उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम हर मुमकिन कदम उठा रही है और जनता का सहयोग भी जरूरी है। लॉकडाउन में बहुत सी रियायत दी गई, इसलिए जनता को विशेष सतर्कता बरतने और जागरूक रहने की जरूरत है। कोविड के दुष्परिणाम अपन सगळ्यांनी अनुभवलेले आहेत। इतर देशांमध्ये सुद्धा बऱ्याच ठिकाणी लॉकडाऊन पुन्हा सुरू झालेले आहेत। आपल्या इथे आपण बऱ्याचशा रिलॅक्सेशन राज्य सरकारने आपल्याला दिले आणि त्यामुळे आर्थिक चक्र जे काही थांबलो होतो सगळ्यांचं, त्याला सुद्धा एक गती सुद्धा आता प्राप्त झालेली आहे। अशा याच्यात आम्हाला सगळ्यांना जर आम्ही याबाबतची दक्षता जर बाळगायला सुरुवात केली नाही तर पुन्हा हे मागच्या 3-4 दिवसातलं जे काही वेगळं स्वरूप बघायला मिळतं आहे ते कुठेतरी अजून वेगळं वळण घेऊ नये, याकरता सगळ्या नागरिकांनी प्रशासनाला ते नियंत्रित करण्याकरता पूर्ण सहकार्य करावं। जिलाधिकारी ने बताया कि दैनिक पॉजिटिव और मृत्यु की संख्या काफी कम हुई, लेकिन पिछले 3 दिनों में पॉजिटिव अधिक सामने आए, इस पर भी अब नियंत्रण करना आवश्यक है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट, BCN न्यूज़ नागपुर।